एशिया कप को लेकर विवाद सुलझ गया है। इसकी मेजबानी पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के तहत यह टूर्नामेंट होगा। इसका मतलब 4 मुकाबले पाकिस्तान में और बाकी मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसी बीच आगामी वर्ल्ड कप को लेकर एक नया मसला खड़ा हो गया है। वर्ल्ड कप इस साल भारत में होना है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा था कि वह अहमदाबाद में मैच नहीं खेलना चाहता। इसको लेकर अब पूर्व पाक क्रिकेटर ने एक बड़ा बयान दिया है। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप का फाइनल ड्राफ्ट भेज दिया है, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी और 15 अक्टूबर को इंडिया और पाक का महामुकाबला होगा। इसके बाद ये शेड्यूल इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों को उनके फीडबैक के लिए भी भेज दिया गया है। इसी बीच पाकिस्तान बोर्ड जीत पर अड़ गया है कि शेड्यूल के मुताबिक अहमदाबाद में वह मैच नहीं खेलेगा। अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने अपने ही बोर्ड को लेकर तंज कसा है और कहा है कि वहां पर खेलने में क्या दिक्कत है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने पीसीबी से आग्रह किया है कि टीम को अहमदाबाद में खेलना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेलकर जीत भी हासिल करे। उन्होंने पाकिस्तान पर सवाल उठाते हुए कहा, वे अहमदाबाद की पिचों पर खेलने से क्यों मना कर रहे हैं? क्या वहां की पिच आग उगलती है या फिर वहां पर भूत हैं? शाहिद अफरीदी ने कहा, जाओ खेलो और जीतो। अगर आपके सामने ये दिक्कत है तो इससे पार पाने का एकमात्र तरीका है एक बड़ी जीत दर्ज करना। अगर कुछ मायने रखता है तो वह है पाकिस्तान टीम की जीत। इसे पॉजिटिव रूप में सोचना चाहिए। अगर भारत वहां मुकाबला कराना चाहता है तो आपको जाना चाहिए और भारतीय फैन से खचाखच भरे स्टेडियम में जीत दर्ज करनी चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि आप क्या हैं। वैसे शाहिद अफरीदी के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।